लेप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी के बाद कितने समय के लिए मुझे बेड रेस्ट करना रहेगा? हर्निया सर्जरी के बाद के शुरुआती दिनों की मेरी रिकवरी कैसी रहेगी? लेप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी के बाद मैं कब वापस से अपने काम पे जुड़ सकता हूँ? क्या हर्निया सर्जरी के बाद मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, जिम की कठोर कसरत और कठोर परिश्रम वाले कार्य वापस शुरू कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? और अगर ये सारी एक्टिविटीज और कार्य मैं अगर शुरू कर सकता हूं तो ऑपरेशन के कितने समय के बाद मुझे ये शुरू करना चाहिए? ऑपरेशन के बाद ट्रैवल और ड्राइविंग की क्या सलाह है? लेप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी में कब शुरू कर सकता हूं? अगर आपके मन में भी ये सारे प्रश्न है हर्निया के ऑपरेशन से पहले, और अगर इस सब पर आप मेरे उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। लेप्रोस्कोपिक हर्निया ऑपरेशन के बाद बिस्तर से निकलना, घूमना फिरना, टॉयलेट या वॉशरूम जाना, सीढ़ियां चढ़ना, ये सब कार्य ऑपरेशन के दिन से ही हम शुरू कर सकते हैं। बल्कि हम हमारे सारे मरीजों को ये सारे कार्य ऑपरेशन के बाद कुछ ही घंटों में शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा करने से उनकी रिकवरी ज्यादा बेहतर और ज्यादा तेज होती है, उनका दर्द और तकलीफ भी जल्दी ठीक होते हैं, और ये सारे कार्य जल्दी करने से कुछ प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं, और ये सारे कार्य काफी आसानी से, कोई ज्यादा तकलीफ के बिना और ऑपरेशन की जगह पर कोई प्रॉब्लम की चिंता के बिना हम कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद दूसरे दिन जब आपको छुट्टी देते हैं और आप घर जाते हैं, वहां पे भी घर में घूमना फिरना, खुद का ख्याल रखना और घर के छोटे मोटे कार्य करना आप कम से कम तकलीफ के साथ और काफी आसानी से कर पाते हैं। ऑपरेशन के बाद शुरुआती दिनों में हम कुछ परहेज रखने के लिए जरूर बोलते हैं, जैसे कि शुरुआत के 2 या 3 महीने तक आपको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिसमें आपको भारी वजन उठाना पड़े। कोई भी कार्य जिसमें आपको 5 से 6 किलो से ज्यादा का वजन उठाने की जरूरत पड़े, ऐसे कार्य आपको अवॉइड करने चाहिए। आपको ऐसे कार्य भी अवॉइड करने चाहिए जिसमें आपके ऑपरेशन की जगह पे डायरेक्ट प्रेशर या तनाव आता है, और इसीलिए ऐसे कार्य जिसमें आपको बार बार झुकना पड़े या नीचे जमीन पर पालथी लगाकर बैठना पड़े, ऐसे कार्य शुरुआती 1 या 2 हफ्तों तक अवॉइड करने चाहिए। लेप्रोस्कोपिक हर्निया ऑपरेशन के बाद आप कब अपने काम पे वापस जुड़ते हैं वो कुछ हद तक उस पर निर्भर रहता है कि आप क्या काम करते हैं। ऐसे सारे मरीज जो ऑफिस वर्क करते हैं या डेस्क वर्क करते हैं, वो सब ऑपरेशन के 2 या 3 दिन के बाद में भी अपने काम पर वापस जुड़ सकते हैं अगर वो बेहतर और स्वस्थ महसूस करते हैं। ऑफिस या काम पे जुड़ने के लिए 1.5 घंटे का अगर सफर या ट्रैवल करने की जरूरत रहती है तो भी आप कर सकते हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि आप खुद ड्राइव ना करें। ऐसे सारे मरीज जिनका काम थोड़ा सा ज्यादा श्रम वाला है, जैसे कि काम की जगह पे उनको ज्यादा चलने की जरूरत रहती है, ज्यादा खड़े रहने की जरूरत पड़ती है, वे सारे मरीज थोड़ा ज्यादा समय लेके 10 दिन के अंदर अपने काम पर वापस जुड़ सकते हैं। और वो सारे मरीज जो काफी ज्यादा कठोर परिश्रम वाले काम करते हैं, उनको काम में जुड़ने के लिए शुरुआत में कुछ बदलाव या मॉडिफिकेशन की जरूरत रहेगी। कहने का मतलब है कि वो 10 दिन के बाद अपने काम पर जुड़ सकते हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि शुरुआती दिनों में वो बहुत ज्यादा परिश्रम वाले कार्य न करें, अपने काम की जगह पर कम परिश्रम वाले कार्य शुरू करें और धीरे धीरे करके अपने कार्य की तीव्रता बढ़ाएं, जिससे कि 2 या 3 महीने के अंत में वो अपनी पूरी कार्य क्षमता के साथ ऑपरेशन से पहले करने वाले सारे कार्य शुरू कर सके। लेप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी के बाद सिटी के अंदर या 1 या 2 घंटे की मुसाफरी आप काफी आसानी से कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि कार, बस, ट्रेन, फ्लाइट
या ऑटो रिक्शा से कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा लंबी मुसाफरी रोड से कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हर एक डेढ़ घंटे की मुसाफरी के बाद आपको ब्रेक लेना चाहिए, रुकना चाहिए, कार से उतरना चाहिए, थोड़ा सा टहलना चाहिए और उसके बाद में आपका मुसाफरी फिर से शुरू करनी चाहिए। अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो अपने आप को ज्यादा पानी पी के रिहाइड्रेटेड रखें, पांव की कुछ कसरत फ्लाइट में करते रहें जिससे कि DVT यानी कि पांव के नसों में खून जमने का प्रॉब्लम हम प्रिवेंट कर सकें। इस प्रकार के प्रॉब्लम किसी भी ऑपरेशन के बाद में फ्लाइट की जर्नी के दौरान होने की थोड़ी बहुत संभावनाएं रहती हैं। अगर हम ड्राइविंग की बात करें तो हमारी सलाह रहती है कि शुरुआत के 15 दिनों के लिए आपको कोई भी साधन नहीं चलाना चाहिए। 15 दिन के बाद अगर आप स्वस्थ महसूस करते हैं तो कार या कोई अन्य 4-व्हीलर आप चलाना शुरू कर सकते हैं। 1 महीने के अंत में अगर आप स्वस्थ महसूस करते हैं तो आप 2-व्हीलर चलाना भी शुरू कर सकते हैं। ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि शुरुआती दिनों में आपको ट्रैवल के समय या ड्राइविंग करते समय ज्यादा जर्क और बम्प को अवॉइड करें। हमारी ये भी सलाह रहती है कि जब भी आप ऑपरेशन की शुरुआत के 2-3 महीनों में ड्राइविंग करते हैं तब बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए ना ड्राइव करें और जहां पे भी ज्यादा जरूरत ना हो ऐसी जगह पे ड्राइव करना अवॉइड करें, यानी कि ड्राइव करना शुरू करें पर जितना जरूरी हो उतना मिनिमम ड्राइविंग करें। 3 महीने के बाद आप अपने रूटीन पे वापस आ सकते हैं। एक सामान्य इंग्वाइनल और अम्बिलिकल हर्निया के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन के बाद में लाइट एक्सरसाइजेस जैसे कि चलना, जॉगिंग करना, भागना, साइकिल चलाना और तैरना, स्विमिंग, ये सारी एक्सरसाइजेस आप ऑपरेशन के 1 महीने के बाद शुरू कर सकते हैं। कुछ चुनिंदे मरीजों में जिनका रिकवरी अच्छा है और जिनका हर्निया काफी छोटा था वे मरीज ये सारी एक्टिविटीज 15 दिन के बाद में भी शुरू कर सकते हैं। पर आपको समझना होगा कि शुरुआती दिनों में ये सारी एक्सरसाइज और एक्टिविटी काफी लाइटर लेवल पे, काफी कम श्रम के साथ, थोड़ा आराम से उनको करना चाहिए। शुरुआती दिनों में इस प्रकार की एक्सरसाइज करने का पर्पस सिर्फ ये होना चाहिए कि आप अपने बॉडी को ये ऑपरेशन के बदलाव से एडजस्ट होने का समय दे रहे हैं, बॉडी को हील होने का समय दे रहे हैं और ये सारे एक्सरसाइज और एक्टिविटी की तीव्रता आप धीरे 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 करके बढ़ाएं जिससे कि ऑपरेशन के 3 महीने के बाद आप ये सारी एक्टिविटीज को नॉर्मल लेवल पे कर पाए। ज्यादा कठोर जिम की एक्सरसाइज या ज्यादा एक्टिव कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स जो ज्यादा एग्रेसिवली खेले जाते हैं वो आपको ऑपरेशन के शुरुआती 3 महीने में नहीं करने चाहिए। कुछ चुनिंदे मरीजों में ये एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स थोड़ा जल्दी भी शुरू किया जा सकता है पर वो शुरुआती दिनों में वो काफी लेस एग्रेशन के साथ, कम तीव्रता के साथ और काफी माइल्ड वे में शुरू करना चाहिए जिससे कि उसकी तीव्रता धीरे धीरे बढ़ाते हुए 3-4 महीने के बाद ये कठोर एक्सरसाइजेस और कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स वो कर पाए। ज्यादा कठोर परिश्रम वाले कार्यों में भी यही बात लागू होती है कि कम परिश्रम के साथ कम कठोर कार्य थोड़ा जल्दी शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे करके उसकी तीव्रता बढ़ाते हुए 3 या 4 महीने के बाद आप पूरी कार्य क्षमता के साथ सारे कठोर कार्य कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी आप 15 दिन के बाद में भी शुरू कर सकते हैं अगर आप स्वस्थ महसूस करते हैं और आपको ज्यादा दर्द नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि शुरुआती दिनों में सेक्सुअल एक्टिविटी आपको थोड़ा आराम से, कम जोर के साथ, कम तनाव के साथ करना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि पेट के हिस्से में और जो ऑपरेशन की जगह है वहां पे ज्यादा तनाव ना हो, प्रेशर ना हो और सीधा दबाव ना हो। ये सारी सलाह जो बहुत बड़े ना हो या जटिल ना हो वैसे इंग्वाइनल, अम्बिलिकल या इंसिजनल हर्निया के लिए थी।
वैसे सारे हर्निया जो काफी बड़े हैं, काफी जटिल है, उनमें क्या कार्य शुरू करना, क्या एक्सरसाइज शुरू करना, कब करना और कितनी तीव्रता से करना, वो एडवाइस बदल सकती है। वैसे भी किसी भी परिस्थिति में ये हमेशा बेहतर है कि आप अपने सर्जन के साथ डिस्कस करें, चर्चा करें कि आपके केस में कौन सी एक्टिविटी और कौन सी एक्सरसाइज कितने समय पे और कितनी तीव्रता के साथ शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आपके सर्जन ही है जो आपके हर्निया के बारे में और आपके ऑपरेशन के बारे में सारी डिटेल्स जानते हैं। आशा रखता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी। अगर आपको कोई और प्रश्न है, कोई और जानकारी चाहते हैं, किसी और प्रकार की मदद चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमें बेहद खुशी होगी आपको गाइड करने में और मदद करने में।